तो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आप लोग स्टॉक मार्केट में अपना पहला कदम किस तरह से रख। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। अभी आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी कम यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा होगा। जैसे कि आप लोग, ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 4,94,000 और प्रॉफिट सिर्फ 3,700, जो कि किसी और न्यू इन्वेस्टर के लिए जो अभी स्टॉक मार्केट पर आना चाहता है उनके लिए बहुत बेकार प्रॉफिट है। और टुडे में तो लॉस ही है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आज यहाँ पर लॉस चल रहा है। तो इसका रीज़न मैं पहले आपको बता देता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर मिड कैप पर इन्वेस्ट किया था। मिड कैप क्या होता है, जो कंपनी अभी फुल बड़ी नहीं हुई है। जैसे कि टाटा है, तो आप लोगों ने देखा टाटा के कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, ये सब ये बिल्कुल बड़ी कंपनियाँ हैं। पूरे इंडिया में अच्छे तरीके से ये प्रोडक्ट बिक रहा है और अच्छा खासा जाना माना प्रोडक्ट है। उसके अलावा अगर छोटी कोई कंपनी है जैसे कि रेडिंगटन, तो ये मिड कैप पर आ जाएगी, क्योंकि ये अभी सब कोई नहीं जानता इस कंपनी को, लेकिन ये मुझे पोटेंशियल दिख रहा है कि बढ़ने वाली है, इसलिए मैंने उस पर इन्वेस्ट किया हुआ है। मेरा सारा पैसा मिड कैप पर इन्वेस्टेड है। और अभी मार्केट डाउन हुआ है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा यहाँ पर वॉर सिचुएशन चल रही है इसराइल की, तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मार्केट डाउन हो गया, उसकी वजह से अफेक्टेड है। और इसी वजह से मेरा यहाँ पर प्रॉफिट था जो 25 से 30 हज़ार रुपये का, वो यहाँ पर अभी 30 हज़ार रुपये ही बचा है। तो इसके अलावा मैंने यहाँ पर एंजल वन से भी इन्वेस्ट किया हुआ था, आप लोग देख सकते हैं इस पर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है। अभी 6,000 रुपीज़ का मेरा ओवरऑल प्रॉफिट बचा हुआ है। कई लोगों के पोर्टफोलियो तो लॉस पे भी चले गए होंगे, लेकिन मेरा काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट था, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट अभी भी बचा हुआ है। 6,000 रुपीज़ ओवरऑल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट 400 रुपीज़ है, बाकी अभी बहुत सिचुएशन की वजह से ऐसा चल रहा है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में पहला कदम रखना चाहते हैं, तो आप लोगों का विज़न छोटा नहीं होना चाहिए। आप लोग 4 से 5 साल मिनिमम इन्वेस्ट करने की क्षमता रखिए, उसके बाद आप लोग यहाँ पर रिजल्ट बहुत अच्छे पाएंगे। इसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मार्केट परमानेंट ऊपर ही ऊपर नहीं चलता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, और ये पूरे पूरे साल भी चल सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पर 2023 पर इन्वेस्ट कर दिया, 2023 तो वैसे भी निकलने वाला है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं 2023 पर इन्वेस्ट कर दिया, 2024 मार्केट ऊपर ही नहीं गया, एंड 2025 भी ऊपर ही नहीं गया, 2026 पर ऊपर गया, उसके बाद फिर उतना ही नीचे आ गया जितना ऊपर गया था। तो यहाँ पर 3-4 साल तो आपका पैसा उतना ही बैलेंस पे रहेगा, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, तेज़ी से ग्रो नहीं होगा। लेकिन 5 साल बाद आप लोग देखिए, अगर ऊपर नीचे रेगुलर भी हो रहा है, तो 5-6 साल में तो मार्केट ग्रो होने ही लगता है। हर साल का एवरेज 20% का रिटर्न यहाँ पर मार्केट से मिल जाता है, अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहें तो। आप लोगों को FD पर कितना रिटर्न मिलता है, 6 से 7%, ज़्यादा से ज़्यादा 8% जाता है, लेकिन यहाँ पर मार्केट पर आप लोगों को एवरेज 20% अगर आप लोग रिटर्न ले पा रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि 5 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है। और यहाँ पर आप लोगों को 5 साल भी नहीं लगता है, क्योंकि आप लोगों का देखिए, अगर आप लोगों ने 1 लाख रुपये इस साल इन्वेस्ट किया है, अगर 20% रिटर्न हो रहा है, तो आप लोग देखिए 1 लाख से अगले साल कितना होगा आपका, 1,20,000, उसके बाद अगले साल फिर 20% एवरेज रिटर्न हो रहा है, तो होना तो चाहिए 1,40,000, लेकिन उतना नहीं होगा, उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि 1,20,000 अब आपका इन्वेस्टेड अमाउंट माना जाएगा। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप लोग SIP कैलकुलेटर पर आ जाइए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग में आपको समझाना चाहता हूँ कितनी पावर होती है कंपाउंडिंग में। और शेयर मार्केट में बहुत ही ईजिली कंपाउंड होता है आपका पैसा। देखिए, यहाँ पर हम लोग आ गए SIP कैलकुलेटर, किसी ओपन कर लेता हूँ किसी भी SIP कैलकुलेटर को, एंड देखिए आप लोग यहाँ पर, अगर आप लोग हर महीने इन्वेस्ट करते हैं 5,000 रुपये, हर महीने 5,000 रुपये, एक मिडिल क्लास फैमिली के लोग भी 5,000 रुपये तो हर महीने इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 5,000 रुपये लिख दिया है हर महीने का। उसके बाद इन्वेस्टमेंट पीरियड, इन्वेस्टमेंट पीरियड आप लोगों को जैसे मैंने बोला था 5 साल से नीचे मत रखिए, मिनिमम 5 साल। उसके अलावा अगर आप लोग इसका लंबा विज़न रखते हैं, मान लीजिए मैं 10 साल लिख देता हूँ, 10 साल बहुत होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो आप लोगों को मैं क्लैरिफिकेशन दिखाना चाहता हूँ। आप लोगों का मिनिमम रिटर्न 20% मान लेते हैं, बाकी अगर आप लोग किसी म्यूचुअल फंड में भी पैसे दे देते हैं, मतलब आप लोगों को चिंता नहीं करें, जिस तरह आप लोग FD में पैसे दे देते हैं, आप लोगों को कोई चिंता नहीं रहती, ऑटोमेटिक ग्रो होते हैं, ना आप लोगों को रीबैलेंस करना है खुद से, ना स्टॉक चेंज करनी है, तो वहाँ पर भी आप लोगों को 25 से 27% का रिटर्न एवरेज मिल सकता है, लेकिन मैं फिर भी 20% ही मान लेता हूँ। उसके अलावा अब यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं कैलकुलेट। आप लोग देखिए, कैलकुलेशन के हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना होगा, यहाँ पर 6 लाख रुपीज़। आप लोगों ने 10 साल में 6 लाख रुपये इन्वेस्ट किए हैं 5,000 रुपये महीने के हिसाब से, और आप लोगों का यहाँ पर वेल्थ गेन होगा 13 लाख रुपये का, और एक्सपेक्टेड अमाउंट होगा यहाँ पर देखिए 19 लाख रुपीज़ का आपका, 6 लाख रुपीज़ उस पर ऐड करके, क्योंकि आपका अगर आप लोग इन्वेस्टेड अमाउंट भी उस पर ऐड कर लेते हैं, अगर आप लोग नेट गेन बस गिनते हैं कि आप लोगों को कितना फ़ायदा होने वाला है 10 साल में, तो आप लोगों को 13 लाख रुपये फ़ायदा मिलेगा आपके 6 लाख रुपये काटने के बाद। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कितना अच्छा फ़ायदा मिला है, यहाँ पर 13 लाख रुपये का आप लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट हो चुका है सिर्फ 6 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करके, वो भी 5,000 रुपये महीने के हिसाब से। अब आप लोग यहाँ पर सिर्फ 1 साल बढ़ाते हैं, अभी आप लोग अमाउंट देख लीजिए 19 लाख यहाँ पर रुपीज़ हो रहे हैं। देखिए, यहाँ पर सिर्फ 1 साल में बढ़ाऊँगा, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती है। अब आप लोगों का अमाउंट, क्योंकि 5,000 रुपये नहीं होगा, अब 19 लाख रुपीज़ हो चुका है आपका अमाउंट, तो आप लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे 23 लाख 1 साल में। आप लोग देखिए, 10 साल में 19 लाख और लगभग 3.5 लाख रुपये 1 साल में,
प्रॉफिट उसी पर। अब आप लोग 23 देख लीजिए, 23 के बाद मैं यहाँ पर 2 साल बढ़ा देता हूँ, देखिए 13 कर दिए मैंने, और कैलकुलेट 37 23 से, आप लोग देखिए हिसाब 23 से सीधा 37, 10 लाख रुपए का प्रॉफिट 2 साल में, क्योंकि आपका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और SIP में कोई बदलाव नहीं, 5000 रुपये आप महीना कर रहे थे तो यहाँ पर कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज़्यादा कंपाउंडिंग की पावर होती है। आप लोग अगर यहाँ पर 20 साल के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं, मैं जैसा कि आपको कहता हूँ लॉन्ग टर्म का विज़न रखिए, तो आप लोग देखिए आप लोगों का बहुत कम मैंने यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न गिना हुआ है, 27% पर या 25% तो एवरेज गिन ही सकते थे, लेकिन मैंने फिर भी 20 रन लगाए हुए हैं। आप लोग बिगिनर हैं अभी इसलिए, तो आप लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे अगर, तो आप लोग देखिए यहाँ पर 1.6 करोड़ रुपीज़ हो रहे हैं आपके 12 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करके। यहाँ पर इतना रिटर्न है कि कोई अगर नॉर्मल बिजनेसमैन है तो अपने बिजनेस से भी इतना रिटर्न नहीं निकाल पाएगा 20 साल में। आप लोग देखिए 12 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए हुए हैं और यहाँ पर 1.6 करोड़ रुपीज़ हो गए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं 20 साल में कितना अच्छा रिटर्न है। अगर आप लोगों की एज अभी कम है, मान लीजिए आपकी एज 18 ईयर्स है, 19 ईयर्स है, तो आप लोगों के लिए स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी जगह है अभी के लिए, क्योंकि आपके पास अभी टाइम भी अच्छा है। आप लोग यहाँ पर 5000 रुपये महीना इन्वेस्ट करिए, और अगर आप लोग चाहते इसे बढ़ा भी सकते हैं आगे, जैसे एक साल आप लोगों ने 5000 किया, अगले साल आपकी अर्निंग बढ़ गई है काफ़ी, तो आप लोग यहाँ पर 10000 कर दीजिए। अगर उसके अगले साल आपकी अर्निंग घट जाती है और आप लोग नहीं कर पाते 1-2 महीने इन्वेस्ट, तो मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका यहाँ पर SIP ड्यू हो जाता है, लेकिन आप लोगों का पैसा सेफ रहता है। आप लोगों से एक फिर आगे चाहे तो उसे पूरा कर दीजिए 10000 रुपये महीना करके 5000 रुपये की जगह पे, अगर 5000 की SIP ड्यू हुई है, और नहीं चाहे तो मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ऐसा होता है कि आप लोगों को यहाँ पर इन्वेस्ट जब करना है करिए, नहीं करना है नहीं करिए। अगर आप लोग यहाँ पर रेगुलर इन्वेस्ट करते तो आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट होगा, अगर आप लोग बीच में छोड़ भी देते हैं थोड़ा बहुत अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका पैसा यहाँ पर सेफ है, क्योंकि आपका पैसा आपके पास रहता है, आप लोग अपने पोर्टफोलियो पर रखेंगे अपना पैसा इसीलिए। अब यहाँ पर आप लोगों का ये सब सेफ इसलिए रहता है, देखिए आप लोग यहाँ पर अभी मार्केट डाउन ही जा रहा है, 400 रुपये से 300 रुपये आ चुका है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आगे तो बढ़ेगा ही। मैंने छोटा विज़न रखा ही नहीं यहाँ पर, एक साल का मेरा विज़न ही नहीं है, मेरा है 5-7 साल, तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी इसे रिडीम नहीं करने वाला, उल्टा इन्वेस्ट ही करता जाऊँगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे यहाँ पर। आप लोगों को यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट रहना है, आप लोगों को मैंने रिटर्न्स दिखा दिए किस तरह से मिलने हैं। अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना आज ही से शुरू करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग फ्री डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए, फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, फ्री में डीमेट अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो भी मैंने दी हुई है, आप लोग उस वीडियो को देखिए, आपका स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन डीमेट अकाउंट ओपन करने का तरीका आपको मिल जाएगा, आप लोग उससे डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए। और आगे मैं ऐसी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा, क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाया कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, यहाँ से आप लोग अमीर किस तरह से बनेंगे, मैंने आपको क्लियर विज़न दे दिया। इसमें ट्रेडिंग भी होती है, ट्रेडिंग में काफ़ी लोगों का लॉस होता है, काफ़ी लोगों का प्रॉफिट भी होता है। यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को लॉन्ग टर्म विज़न है इन्वेस्टिंग में, आप लोग 5-7 साल से नीचे तो सोच ही नहीं सकते। इसके अलावा अगर आप लोग ट्रेडिंग की बात करें तो आप लोग आज 5000 लगाएंगे, आज के आज आप लोग उसके 50000 भी कमा सकते हैं, और 5000 लगा के आप लोग 50000 गवा भी सकते हैं, ट्रेडिंग ऐसा होता है। इसलिए मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को अगले वीडियोस में आने वाले समझा जरूर दूंगा ट्रेडिंग क्या होता है, आपको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कौन ज़्यादा प्रॉफिट में रहता है, इन्वेस्टर रहता है कि ट्रेडर रहता है, वो सब मैं आपको समझाने वाला हूँ अगले आने वाले वीडियोस में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, ताकि आप लोगों को हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।